तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 7-सीटर कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको आप 2023 में खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है या फिर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो ये वीडियो आप डेफिनेटली एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों को कवर करूंगा जिनके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है, अच्छा खासा लुक मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कारों का कौन सा वेरियंट आपको खरीदना चाहिए, उसकी ऑन रोड कीमत कितनी रहेगी, उस मॉडल के ऊपर आपको कितना वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी इको को रखा है, और ये कार मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जिनका बजट काफी ज्यादा कम रहता है। इस लिस्ट के अंदर आपको इको से भी बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इको के अंदर आज के डेट में एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट दिया जाता है, और ये कार लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देगी अगर आप इसका पेट्रोल मॉडल खरीदते हो, और सीएनजी किट के साथ ये कार लगभग 26.78 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर सीएनजी किट के साथ आपको 25 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इको के अंदर आपको 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बेस वेरिएंट के अंदर एसी नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर एसी का ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको एसी चाहिए इको के अंदर तो आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इसके टॉप मॉडल के अंदर सिर्फ 5 सीटर वाला वेरिएंट आता है, यानी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन आपको टॉप वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको 7 सीटर मॉडल लेना है इको का तो आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, लेकिन वो सीएनजी किट आपको 5 सीटर मॉडल के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि सीएनजी टैंक लगा हुआ है पीछे, उसी वजह से आपको 5 सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आपको 7 सीटर मॉडल लेना है तो वहां पर आपको एसी नहीं मिलेगा, वो चीज अगर आप इग्नोर करते हो तो डेफिनेटली आप इसके 7 सीटर वेरियंट के साथ जा सकते हैं। और अगर मारुति सुजुकी इसके 7 सीटर मॉडल के अंदर एसी का ऑप्शन दे भी देती तो वहां पर आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता, यानी इसके एसी के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ते। और इसके 7 सीटर मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 5,53,000 रुपीज से, ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,47,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी अगर आपको इको का 7 सीटर मॉडल लेना है तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 6.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के तौर पर। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपको 5 सीटर मॉडल भी चल जाएगा तो आप इसका सीएनजी मॉडल परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसका नॉर्मल 5 सीटर मॉडल भी खरीद सकते हैं। इसके सीएनजी मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,50,000 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी 6.5 लाख रुपए आपको एक शोरूम प्राइस देने पड़ेंगे, और इसी प्राइस में आपको 7 सीटर मॉडल मिल जाएगा जहां पर आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो ये चीजें थी। और सीएनजी मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 7,32,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइजेस आपके सामने हैं। और एक चीज यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा, इस लिस्ट के अंदर आपको इको से भी बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये कार मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जिनका बजट काफी कम रहता है। अगर आपको ये कार लेनी है तो डेफिनेटली आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। इको के ऊपर आपको नाक के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, हालांकि कुछ सिटीज में इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर लगभग 1 महीने का या फिर 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है, इसका नॉर्मल वेरिएंट आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने रेनॉल्ट की ट्राइबर को रखा है, जो कि काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है रेनॉल्ट का, और ये कार इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है, इसका सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में इस कार के अंदर 7 सीटर का ऑप्शन दिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइबर के अंदर आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, और ट्राइबर लगभग 71 BHP की पावर आउटपुट और 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक पावर आउटपुट मिलने वाली है, और ये कार लगभग 18 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। ये माइलेज ARAI ने क्लेम किया है, इन प्रैक्टिकल आपको 14 से लेकर 16 के आसपास माइलेज मिल सकता है। रेनॉल्ट की ट्राइबर 8 अलग वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कम फीचर्स चाहिए तो आप नीचे वाले वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा एडिशनल फीचर्स चाहिए तो आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। ट्राइबर की एक्सशोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6,33,000 रुपीज से, और टॉप मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस 8,97,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर एक्सशोरूम प्राइस आपके सामने है, लेकिन 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हो और आप इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी खरीद सकते हैं। हालांकि इसका जो टॉप वेरिएंट है उसको खरीदने के लिए आपको आपका बजट 10 लाख रुपए के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा
बढ़ाना पड़ेगा। इसके बेस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6,33,000 रुपीज से और बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,61,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी ट्राइबर के बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 7,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। वही इसका टॉप सेलिंग वेरियंट है RXZ, यानी काफी ज्यादा लोग इस मॉडल को खरीदते हैं। इस वेरियंट को खरीदने के लिए आपको 8,22,000 रुपीज देने पड़ेंगे एक्सशोरूम प्राइस के तौर पर और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,80,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी 10,00,000 रुपए के आसपास आपको रेनॉल्ट ट्राइबर का टॉप सेलिंग वेरिएंट मिल जाएगा। और यहाँ पर टॉप सेलिंग का मतलब होता है उस वेरिएंट को काफी ज्यादा लोग खरीदते हैं। अगर आपका बजट उतना ज्यादा है तो डेफिनेटली आप इस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट 10,00,000 रुपए के ऊपर है तो आप डेफिनेटली इसके टॉप वेरियंट को खरीद सकते है। वो मॉडल लगभग 10,80,000 के आसपास चला जाता है। रेनॉल्ट ट्राइबर के ऊपर भी आपको लगभग ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ सीरीज में इस कार के ऊपर लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है और वेटिंग पीरियड भी लगभग सिटी टू सिटी वैरी करता है। थर्ड पोजीशन पर मैंने अर्टिगा को रखा है, जिसको इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इसका सेल भी इंडिया में काफी ज्यादा होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अर्टिगा के ऊपर आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। अर्टिगा का लुक काफी ज्यादा अच्छा खासा है, इंटीरियर का कंफर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और आज के डेट में अर्टिगा के अंदर एक पेट्रोल और एक CNG किट दिया जाता है। पेट्रोल में अर्टिगा लगभग 20 का माइलेज दे देती है, ये एआरआई ने क्लेम किया है। इन रियलिटी माइलेज आपको कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। और CNG किट के साथ अर्टिगा लगभग 26.11 किलोमीटर पर KG का माइलेज दे देती है, यानी 26 के ऊपर अर्टिगा का CNG मॉडल माइलेज दे देता है, तो ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन बात है। इसी वजह से अर्टिगा को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अर्टिगा की एक्सशोरूम प्राइस कीमत स्टार्ट होती है 8,35,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस 12,79,000 रुपीज तक चली जाती है। अब यहाँ पर जिन लोगों का बजट 10,00,000 रुपए के अंदर है, वो लोग इस कार का बेस मॉडल डेफिनेटली खरीद सकते हैं, आंख बंद कर खरीद सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन, इस कार के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, लुक भी अच्छा खासा है, माइलेज भी ये ठीक ठाक दे देती है और इसका इंजन का परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। उसी वजह से 10,00,000 रुपए के अंदर आप इसका बेस मॉडल डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 8,35,000 रुपीज देने पड़ेंगे शोरूम प्राइस के तौर पर और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,70,000 रुपीज तक चली जाती है। हालांकि कुछ सीरीज में ऑन रोड कीमत 9,80,000 रुपए के आसपास भी जा सकती है या फिर थोड़ी सी कम भी हो सकती है, क्योंकि सिटी टू सिटी ऑन रोड प्राइसेस वैरी करती रहती है। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप अर्टिगा के ऊपर वाली वेरियंट के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, या फिर आपका बजट काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली आप अर्टिगा के टॉप मॉडल को खरीद सकते हैं। अर्टिगा का टॉप मॉडल है ZXi+, इसकी ऑन रोड कीमत 15,00,000 रुपए तक चली जाती है। इसके अलावा CNG किट दिया जाता है VXi मॉडल के अंदर और ZXi मॉडल के अंदर, लेकिन इन दोनों ही मॉडल को खरीदने के लिए आपको 11,00,000 रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि ये मैंने ऑन रोड प्राइस के तौर पर आपको चीजें बताई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है वेटिंग पीरियड। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ जाना चाहते हो तो वहां पर आपको लगभग 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन अर्टिगा के CNG मॉडल के ऊपर 9 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है। उसी वजह से आपको अर्टिगा के CNG मॉडल के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। अर्टिगा कार आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर मैंने उन कारों को रखा है जिनको खरीदने के लिए आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में और भी कोई 7-सीटर कारें नहीं थी, उसी वजह से मैंने फोर्थ और फिफ्थ नंबर कार को इंक्लूड किया है। फोर्थ पोजीशन पर मैंने बोलेरो को रखा है, जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। इसका लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज में इस कार के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए यह कार सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है और इसका डीजल इंजन लगभग 75 BHP की पावर आउटपुट और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है और इसके डीजल इंजन के साथ आपको 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। हालांकि बोलेरो 3 वेरियंट के साथ आती है, इसका बेस वेरियंट है B4 के ऊपर आता है B6 और इसका टॉप वेरियंट है B6 ऑप्शनल वेरियंट। हालांकि इसका जो टॉप वेरियंट है B6 ऑप्शनल, ये इंडिया में काफी ज्यादा बिकता है और ये इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट बन चुका है। इसके बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,78,000 रुपीज एक्सशोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 11,77,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी अगर आपको बोलेरो को खरीदना है तो आपको आपका बजट लगभग 12,00,000 रुपए के आसपास लेके जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको बोलेरो का बेस मॉडल मिल जाएगा। लेकिन इसी प्राइस रेंज में यही कारें अवेलेबल थी, उसी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप अर्टिगा को कंसिडर कर सकते हैं,
हैं या फिर सिंपली आप रेनॉल्ट ट्राइबर को भी कंसिडर कर सकते हैं। बोलेरो के ऊपर आपको ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, हालांकि ये कार आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। फिफ्थ पोजीशन पर मैंने बोलेरो नियो को रखा है, जो कि बोलेरो का ही अपग्रेडेड वर्जन है और इस कैटेगरी के अंदर महिंद्रा कंपनी और एक कार को लॉन्च करने वाली है। उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। बोलेरो नियो के अंदर भी एक डीजल इंजन दिया जाता है, लेकिन जो क्लासिक मॉडल है बोलेरो का, उसका जो इंजन है वो थोड़ा सा कम पावर प्रोड्यूस करता है, और जो बोलेरो नियो है उसके अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर आउटपुट और ज्यादा टॉर्क मिलने वाला है। बोलेरो नियो के अंदर एक डीजल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 100 bhp की पावर आउटपुट और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। ये कार लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। आप इसका बेस मॉडल भी डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसके बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 9,62,000 रुपीज से, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 11,59,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर आपको कीमत थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू बोलेरो का क्लासिक मॉडल। इस कार के ऊपर भी आपको ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है और आपको बोलेरो ही लेनी है या फिर आपको बोलेरो नियो लेनी है, तो आप इनका सेकेंड हैंड मॉडल भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको 10 लाख रुपए के अंदर आराम से मिल जाएगा। और वो मॉडल खरीदने के लिए आपको सेकेंड हैंड कार के शोरूम में जाना पड़ेगा या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो 10 लाख के अंदर आपको इन दोनों ही कारों का सेकेंड हैंड मॉडल मिल जाएगा आराम से, और वहां पर आप आराम से निगोशिएट भी कर सकते हैं। तो ये 5 सेवन सीटर कार्स थी जो कि आप 2023 में खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है और आपको नॉर्मल यूज के लिए कार चाहिए, तो आप इको के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर एक डिसएडवांटेज है, वहां पर 7 सीटर मॉडल के अंदर आपको एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीएनजी किट सिर्फ 5 सीटर मॉडल के अंदर दिया जाता है, तो ये सबसे बड़े लिमिटेशंस आपको इको के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इको के ऊपर रेनॉल्ट की ट्राइबर आती है, जिसको आप आंख बंद कर खरीद सकते हैं। इको के ऊपर अगर आपका बजट है, तो आप अल्टिगा के बेस मॉडल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में है, तो इस प्राइस रेंज में आपको बोलेरो और बोलेरो नियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन 5 में से आप किस कार को खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो वो चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, जिनको आने वाले समय में एक अच्छी 7 सीटर कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।